नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, राकेश टिकैत के टेंट के सामने नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस वक्त बहुत बड़ी ये खबर है क्योंकि जिस तरीके की हिंसा की गई थी 26 जनवरी को, उसके चलते लुकआउट नोटिस यहां पर जारी किया गया था और अब राकेश टिकैत के टेंट के सामने नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस इस टाइम बहुत सतर्क है और इस टाइम कुछ भी हो सकता है क्योंकि स्थिति को नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरीके की हिंसा की तस्वीरें हम सभी ने देखी थी 26 जनवरी को, ऐसे में अब सरकार सतर्क हो गई है और सख्त से सख्त यहां पर आदेश दे दिए गए कि ऐसी प्रदर्शन और ऐसे प्रदर्शनकारियों को बर्दाश्त यहां पर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के सिलसिले में किसान नेता राकेश टिकैत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पहुंची है और किसान नेता टिकैत को नोटिस थमा दिया है। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के टेंट के बाहर भी एक नोटिस चस्पा किया और वहीं नोटिस में कहा गया है कि अपने संगठन से संबंधित लोगों के नाम बताएं जिनकी भूमिका हिंसा में रही हो। इस नोटिस का जवाब आपको 3 दिन के अंदर देना है। आगे कहा गया है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। आपने ट्रैक्टर रैली को लेकर जो समझौता हुआ था उसको तोड़ा है। इधर ट्रैक्टर परेड हिंसा में घायल हुए पुलिस वालों से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। उनसे मिलकर कहा है कि आपकी बहादुरी और साहस पर हमको गर्व है। खबरों की माने तो जिन नेताओं के नाम FIR दर्ज हुई है उनके पासपोर्ट भी जब्त किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता के धारा 124A राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के सिलसिले में FIR में अभिनेता दीप सिंधु और गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने लखा सिद्धाना के नाम भी शामिल किए हैं। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान यूनियन ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर उस समय अराजकता की स्थिति पैदा हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने अवरोधों को तोड़ दिया, पुलिस के साथ झड़प की, वाहनों को पलट दिया और लाल किले पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लाल किला 27 जनवरी से 31 जनवरी तक आगंतुकों के लिए बंद रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के सिलसिले में किसान नेता राकेश टिकैत और अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में ले लिया है और हिंसा के सिलसिले में अब तक 22 FIR दर्ज की है। हिंसा में 300 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।